मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम 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 जय हो मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर राम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम पावन पावन नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता राम मधुर मधुर नाम सीता राम सीता बोलिए श्री सद्गुरु महाराज प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सनमन परम आदरणीय गुरुजन साधक वृंद धर्म प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं तथा बहनों आप सबों को भी सत सत नमन। जिस देश में हम लोगों का जन्म हुआ ये भक्ति प्रधान देश है। लोग कहते हैं ऋषि कृषि प्रधान देश है, ये तो और भी देश हो सकते हैं, लेकिन और देश में ऋषि प्रधान और भक्ति प्रधान नहीं है। आवाज़ क्या हो गया, मॉनिटर को सही कीजिए, बेस कम कीजिए। तो ये भक्ति प्रधान देश है, समय समय पर संत महापुरुष यहाँ आते रहते हैं, भगवान का भी प्राकट्य होता रहता है। ऋषियों की धरती, प्रेम रस भरती ऋषियों की धरती। जो देश है उसका नाम है भारतवर्ष, राजर्षि भरत हुए उसी के नाम से देश का नामकरण किया गया। बड़े बड़े संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवती देवियां अवतार लेते हैं इस धरती पर। यहाँ पर भक्ति की कमी नहीं है, भक्तों की कमी नहीं है, हजारों हजार तरह के भक्त मिलेंगे। अब भगवान की भी कमी नहीं है, भगवान भी कम है नजर आता है क्या, दर्जनों दर्जन तो इसी गाँव में मिल जाएंगे। आगे की तो बात छोड़िए, हजारों भगवान है। शास्त्रों की भी कमी नहीं है, उपनिषद तो हजार है, वेद चार है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, ये तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है। पर इसके बाद भी कितने शास्त्र पुराण हैं कि जिसका वर्णन नहीं है। इतने भगवान, इतने शास्त्र पुराण और इतने भक्त, इतने वैरायटी के भक्त कहना मुश्किल है। जन्म से लेकर के मरण तक भक्ति ही भक्ति है। एक बार एक सज्जन ने एक ईसाई से मिला, एक भक्त, तो ईसाई बोला कि देखो हमारे संप्रदाय में, हमारे धर्म में एक ही भगवान है, वो है ईसा मसीह, और एक ही शास्त्र है, वो है बाइबिल, इसलिए हम लोग भ्रमित नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो हजारों शास्त्र पुराण और करोड़ों देवी देवता, इसलिए तुम सब के सब भ्रमित हो भैया। ये भक्त को बोला, ये ईसाई ने बोला, इन माय ट्रेडिशन वी हैव ओनली वन स्क्रिप्चर एंड वन गॉड, दैट इज कॉल्ड जीसु क्राइस्ट स्क्रिप्चर, दैट इज कॉल्ड होली बाइबल, सो वी क्रिश्चियन फेलोस आर नॉट कन्फ्यूज्ड, वेयर एज इन योर ट्रेडिशन, इन योर रिलीजन यू हैव सो मैनी स्क्रिप्चर्स, सो मैनी गॉड्स गॉडेसेस, सो मैनी वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन प्रेयर, सो मैनी टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रेयर एंड सो ऑन, सो यू पीपल आर टोटली कन्फ्यूज्ड। यही बात है कि तुम लोग कन्फ्यूज्ड हो और हम नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही एक है। तो भगवान के भक्त जो थे वो बोले कि देख भैया, तू कह रहे हो तुम्हारा भगवान एक, अशास्त्र एक, अभक्त अनेक। अच्छा ठीक है, यदि हजारों भक्त तुम्हारे एक साथ संकट में घिर जाए तो एक ही भगवान कहाँ कहाँ जाके बचाएगा, एक ही साथ हजारों बीमार हो जाए तो
अब तो फंस गया अंग्रेज चक्कर में। अभी बोला मेरी सुन, मेरे पास करोड़ों देवी देवता भगवान भगवती हैं और अरबों खरबों में भक्त हैं। एक साथ जब हजारों हजार भक्त संकट में घिर जाते हैं तो हजारों छटका छटका भगवान को बड़का भगवान आदेश देते हैं, सब छटका भगवान जाकर के सब भक्तों को बचा लेते हैं श्री सतगुरु। तो विदेशी बोला आई थिंक यू पीपल आर राइट एंड वी आर रॉन्ग। बोला कि मैं समझता हूँ तुम ही लोग सही हो, मैं ही गलत हूँ। तो भगवान बहुत है, शास्त्र पुराण बहुत है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ये नहीं है, भ्रम की बात नहीं है, इसे समझने की बात है बस। अच्छा बोलिए, एक देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री काफ़ी है क्या? कितने विभाग बटे हुए रहते, ऊपर से नीचे कितने ऑफिसर डीएम सीएम पीएम सब मिल करके चलाते हैं। इतना बड़ा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड भगवान, ठीक है एक ही भगवान है पर अनेक रूप में तो है, अनेक रूप से अनेक कार्य को अंजाम देते हैं। तो इसलिए भगवान अनेक है, शास्त्र पुराण अनेक है, पूजा पद्धति अनेक है, यानी भक्तिमय संसार है। कहते इंडिया इज द गॉड्स ओन टेरिटरी, मतलब कहते ही भारत जो है भगवान का अपना घर है। वैसे तो पूरा दुनिया है, ये अपना घर है और यहीं पर जब तक धर्म है तब तक दुनिया टिका हुआ है, टिकी हुई है। आग लगी आकाश में चुई चुई परे अंगार, जो न होते संत जन तो जल मरता संसार। ये संत महापुरुष यही आते हैं, धर्म की स्थापना यहीं से है। तो कहने का मतलब कि आप देखिए भक्ति कौन नहीं करते हैं, भक्ति से कोई खाली है किसी का जीवन? क्या बच्चा जन्म लेता है तो उस दिन से पूजा चालू हो जाता है, छठियार में पूजा, नामकरण हुआ इसमें पूजा, बर्थडे हर साल होता है उसमें पूजा, इसके बाद हर दिन पूजा ही है ना, पूजा का ही तो दिन है, रविवार को रविवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगलवार को मंगलवारी, मंगलवार को हनुमान जी को लड्डू, शनिवार को शनिचरा भगवान जो उसको, तो सब दिन तो पूजे पूजा है। इसके बाद अभी आप देख लीजिए एकादशी द्वादशी चतुर्दशी हर एक महीना में दो बार होता है, इसके बाद फिर खरना जरना वो तो बाकी है, इसके बाद ये दीपावली दशहरा है और बीच बीच में कौन कौन आ जाते हैं कहना मुश्किल है। तो ये बारहों महीना कोई ऐसा दिन है जो पूजा से खाली है? इसके बाद देखिए बिजनेस व्यापार में भी हम पूजा ही पूजा है ना, कोई भी जो दुकान है बिना पूजा पाठ किए दुकान नहीं खोलते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं तो उसमें भी धूप दीप अगरबत्ती विश्वकर्मा बाबा की जाए तब वो गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद देखिए पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो देवी ये विद्या को क्या बोलते हैं सरस्वती देवी, वो भी पूजा ही है किताब को, जब तक पूजा नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। आजकल का बचवा कतिया तो भोरे नहाते हैं, भोरे छूट जाता तो शाम में नहाते हैं, तो दिन में उसको नहाना नहीं या किसी दिन नहीं नहाते हैं। पर नियम क्या है कि सुबह काग चेष्टा बको ध्यान सुहान निद्रा, तो अल्प आहार अल्पाहार, तो मतलब एक्टिविटी एक्टिव दिमाग होने के लिए सुबह में तो स्नान करना ही चाहिए। नियम तो यही है ना कि सुबह में स्नान पूजा करो, गौसे बाबा को नीब दो, फूल पत्ती चढ़ा दो, तब जाओ पढ़ने के लिए, ये परंपरा थी। आजकल जगते हैं एक बजे रात तक, तो जो जगेंगे सुबह थोड़ी जग पाते हैं, सोते हैं एक बजे को। तो इसलिए कहने का मतलब है कि वैसे तो उनको भी हम मान्यता देते हैं कि इसमें भी सरस्वती देवी है, रुपया में इसमें भी कहते हैं कि धन लक्ष्मी है। साउथ इंडिया में मैं था दक्षिण भारत में, तो एक दिन मैं गलती से अनजाने में दुकानदार को बाएं हाथ से रुपया दे दिया, पता नहीं वो तमिल भाषा में इतना बड़बड़ा करके गाली दिया कि मत पूछिए। तो मैं दूसरे से पूछा क्या बोल रहा, तो बोला कि वो गाली दे रहा है। क्यों? तो बाएं हाथ से जो तुमने पैसा दे दिया, तो लक्ष्मी है ना, इसको आप दाएं हाथ से दीजिए, लक्ष्मी माँ है, धन लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, बुद्धि लक्ष्मी। तो ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, ये सब कुल देवता, ये सारे देवी देवता है हमारे जीवन में, पूजा पद्धति से पूरा जीवन भरा हुआ है। और उसी पूजा का जो मेन एजेंट है हमारे पंडित जी महाराज हैं, वो जैसे झाड़ फूक देते हैं जजमान सब वैसे टनाटन रहते हैं, कहा ये करना है तो करना है, सत्संग उत्संग का कहते हो तो सत्संग की बात वहीं छोड़ दो, यहाँ मत लाओ। और सत्संगी सब का स्टाइल भी देखिएगा तो वही बात होती है, आसनी बड़ी सेटिंग से बिछाएंगे, आ जाते समय झाड़ देते धो बाबा रखो अपन ज्ञान,
चप्पल को आगे रखेंगे वो देवता है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। तो कहने का मतलब आगे तो गुरु महाराज रहते हैं ना, चप्पल को वहाँ रखिए, एक नज़र वहाँ रखिए। तो ऐसे ऐसे माता कुर्सी लेके बीच में बैठते हैं ताकि देखिए वो भोला बाबा उखड़े हैं बीच में, बगल में यहाँ बैठिए, यदि दिक्कत है ठीक है तो कुर्सी पार्टी जो है या तो पीछे नहीं तो बगल में। तो इस तरह की बात होती है पूजा में। ये पूजा के स्टाइल को पद्धति को जब एक बार समझ के हम उसको करने लगेंगे ना, तब तो क्या है हमको कहीं नहीं जाना होगा, भगवान दौड़े दौड़े यही आ जाएंगे। तो यही पूजा कैसे करनी होती है। हो मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। हो द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, अपनी दया की खोलो द्वारे, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। साध संत की संगति देना, साध संत की, ओ साध संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। ओ साध संत की संगति देना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की रंगति देना। दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ मेरे मन की ज्योत जगा दो, मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लिखा दो, मुझको अपना रूप लिखा दो। ओ मेरे मन की ज्योत जगा दो, मुझको अपना रूप लिखा दो, मुझको अपना रूप लिखा दो, पहुँचा दो गुरुधाम दयालु दया करो, पहुँचा दो गुरुधाम दयालु दया करो। दयालु दया करो कृपालु कृपा करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो।
बोली श्री सद्गुरु महाराज की। तो समाज में भक्तों की कमी नहीं है, ये नहीं कि यहीं आने के बाद भक्त बने हैं, सब दिन से बन ले भक्ति जन्म लेते हैं, ये हाल है। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज वेरी मच 100% स्पिरिचुअल। एक विदेशी ने कहा मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ, भगवान भगवती इधर उधर ये सब आलतू फालतू के चीज हैं। तो एक सज्जन ने कहा इट इज वेरी ट्रू दैट यू डोंट बिलीव इन गॉड, यू डोंट हैव बिलीफ एंड फेथ इन गॉड, बिकॉज इन ऑर्डर टू हैव फेथ एंड बिलीव एंड ट्रस्ट इन गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी यू हैव टू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, यू हैव टू टेक वन मोर बर्थ। एक सज्जन ने कहा कि यदि आपको भगवान भगवती में विश्वास करना हो, शास्त्र पुराण में सत्संग भजन में कथा कीर्तन में यदि श्रद्धा जगाना हो न, तो आपको एक और जन्म लेना पड़ेगा, भारत में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान ने इसी चीज को बतलाए कि भक्ति कैसे करो ताकि मेरी प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। बाकी देखिए अब सामान होता है तो असली के साथ नकली तो हो ही जाता है, ऐसा थोड़ी है कि असली असली है। भगवान कथा में भागवत में आता है कि भगवान कृष्ण की जब ख्याति दसों दिशाओं में फैल गई ना, तो भगवान द्वारिकाधीश बन के विराजमान हुए और वहीं पर एक काशी राज था, काशी का राजा था। तो उन्होंने एक पौंडरक को देखा, वासुदेव पौंडरक को, तो उसका सकल सूरत बिल्कुल भगवान जैसा मिलता था। तो काशी राज को लगा यदि हम भी कमिटी समिति का गठन कर ले और एक संस्था चला दे तो माल पानी ये दान पेटी इतना भरेगा कि गिनते रह जाएंगे। तो पौंडरक को बुलाया, बोला देख तुम्हारा सकल सूरत वो द्वारिकाधीश कृष्ण जैसा लगता है, ऐसा करो कि तू भी मुकुट धारण करो, एक रिमोट कंट्रोल वाला वो सुदर्शन में इंजीनियर को बोला हूँ तुम्हें दे देगा, इसके बाद एक रिमोट वाला वो गरुड़ भी तैयार कर दूंगा और हम जो है ना 2-4-10 भगत जगत को तैयार करेंगे और वो तुम्हारी जय जयकार करेंगे, हम लोग चारों तरफ बैनर पोस्टर लगा करके घूमते रहेंगे और प्रचार करेंगे कि असली द्वारिकाधीश कृष्ण यही है। और इस तरह से भक्तों की तो भीड़ लग ही जाएगी, क्योंकि भक्तों की तो कमी है नहीं, जिधर भूल देते हैं तो भीड़ लगी जाएगी। फिर दक्षिणा पानी जो भी होगा भैया उसमें 50-50 हम लोग बांट लेंगे, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो पौंडरक सोचा कि इससे बढ़ के और व्यापार क्या होगा, कहते चलो ठीक है, तैयार हो गए। अब वो पौंडरक की बनावटी भगवान बन गए और चारों तरफ जय जयकार करवाने लगे, बोलिए पौंडरक भगवान की। यहाँ भी समर्थक हो गए नकली भगवान के, तो कमी नहीं होता है। एक आदमी वो जो महिषासुर है ना उसके बगल में सेल्फी फोटो ले रहा था, मतलब उसके साथ हम कैसे दिख रहे, उसका भी समर्थक हो जाता है जबकि माता रानी उसको मार दिए सेल्फी ले रहे हैं। तो विचार भी तो होना चाहिए ना कि इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। एक एक आदमी कुत्ता के साथ सेल्फी लेता है, कुत्ते को गाड़ी पे ऐसी गाड़ी वो 25 लाख की गाड़ी पर घुमाता, एक वो नौकर रखता आदमी को रखता है कुत्ता के सेवा में, अब मरेगा तो कहाँ जाएगा। पर सेल्फी लेना तो भगवान को न देखिए कि गौ माता के बछड़े के साथ सेल्फी लेते हैं, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता। तो मैं कह रहा था कि नकली तो हर जगह है ना, भगवान के रहते नकली भगवान घूम रहा था और जय जयकार करने वाले भी मिल गए। और वो द्वारिकाधीश भगवान के पास चिट्ठी भेजा और पौंडरक, अब उद्धव जी चिट्ठी पढ़ने लगे, सुधर्मा सभा में पढ़ पढ़ के खूब हंसने लगे। भगवान कहते क्या हुआ, कहते सरकार आप नकली भगवान हो, असली उधर आया है अभी अभी। भगवान को भी बड़ी हंसी आई, कहते वो दूत को बोला देख भैया तू अपने भगवान को यहाँ भेजने का कष्ट मत करना, मैं कल वहीं जा रहा हूँ। अब वो दूत जाके वो पौंडरक को सुना दिया कि वो यहीं आ रहे हैं। अब वो पौंडरक का तो कान खड़ा हो गया, काशीराज को कहा क्यों रे काशीराज, तू तो हमको फालतू का भगवान बना के खड़ा कर दिया, अब वो जब यहाँ आ गया तो मैं कहाँ जाऊँगा।
तो काशीराज कहते तू भगवान बनेगा तो कुछ रिस्क कवर तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़े फ्री में भगवान बना जाता है, खतरा तो मोल लेना पड़ेगा भाई। तो चलो तो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगले दिन भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, तो आए तो इधर काशीराज कहते तू भी अपना चमत्कार दिखा। भगवान से भी टक्कर लेने वाले हुए हैं कि नहीं, मान लीजिए जो हिरण कश्यपु था, हिरणाक्ष था, रावण ही रावण वही रावण, ये सब टक्कर लिए कि नहीं, तो तप बल से शक्ति तो ले ही लेते हैं और फिर टक्कर लेते हैं। तो ये काशीराज कहते तू भी अपना चमत्कार देखा, ये भी एगो रिमोट दबाया कि घिरनी चलने लगा इसका सुदर्शन, और दूसरा रिमोट दबाया तो फड़फड़ाने लगा गरुड़। अब भिड़ गए भगवान से, भगवान को बड़ी हंसी आई कि देखो नकल भी किया है, क्या अकल लगाया होगा, पर अपना असली सुदर्शन चला करके उसका उद्धार किए। कहने का मतलब है कि असली नकली तो है, तो यही असली नकली का पहचान सत्संग से होता है, इनके कुछ हो करते गए हो रहा है। इसलिए करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। तो भक्ति के मार्ग में भी सत्संग ही एक स्कूल है, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी समझ लीजिए, जहाँ पर आपको प्रॉपर यानी कि सही शिक्षा मिलेगी भक्ति कैसे करनी चाहिए। साधारण चीज़ के लिए 10 आदमी से पूछते हैं कैसे करना है, आ इस चीज़ में कि आदमी को पकड़ के घूमते रहते हैं, कहते नहीं हमारे भाग में यही था लो, ऐसा थोड़ी होता है। साधारण काम के लिए हम कन्फर्म होने के लिए कि सही है कि गलत है 10 आदमी से पूछ लेते हैं, कहीं रास्ता जाते हैं तो 10 आदमी से पूछते हैं, कोई वो नालायक किधरों तो नहीं भेज रहा है। इसमें हम एक आदमी कुछ बोल दिया उल्टा सीधा हमको सुहाना दिया, भोला बाबा उखड़ा है वहाँ, और दौड़ पड़ते हैं वहाँ, कहता नहीं यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ दौड़ पड़ते हैं। ये ज्ञान संत महापुरुषों के पास जा जा करके, सत्संग में जा जा करके भक्ति का जो समस्या है इसका समाधान होता है। नहीं तो झाड़ फूक करते रहिए, तिल लिया, जल लिया, कुश लिया, फूल लिया और लिया पैसा, आ तीन फूक फूक दिया बैल बनो या भैंसा। यजमान तो अपना पंडित जी तो बोलो सीधा करने में रहते ही है, पूजा पाठ कुछ नहीं की भलो कुछ हो न कते गल तो कतो ने, ये हाल होता है अंत में। इसलिए संत महापुरुष कहते आहो भक्त सार भगति करु हो, असार भगति करी संसार भरमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल हो। आप कहिए गुरु महाराज तो बोल दिए भक्ति श्रम निष्फल है, लेकिन पूजा पाठ निष्फल थोड़ी है, पहले आप पूजा नहीं करेंगे तो जप में ही मन नहीं लगेगा। तो गुरु महाराज के कहने का भाव समझिए, गुरु महाराज कह रहे हैं कि असार भक्ति तुम्हें सार भक्ति करने की योग्यता देती है, जब तक सार भक्ति का लक्ष्य लेकर के शुरुआत नहीं करेंगे असार भक्ति से, और यदि सार भक्ति का लक्ष्य नहीं है तो असार भक्ति निष्फल हो जाता है। लक्ष्य तो वही होना चाहिए, पर शुरुआत तो एक जहाँ है वहीं से करेंगे, जो बेसिक पूजा पाठ है वहीं से करते हैं, पर लक्ष्य हम लोगों का ईश्वर परमात्मा होना चाहिए, उसकी प्राप्ति होना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि भक्ति कैसे किया जाए, किस तरह से वो महासबरी को जो परम गति मिली वो मिल जाए, क्योंकि रामायण में बहुत सारे पात्र हैं, एक से एक भाव के साथ भक्ति करने वाले भक्त हैं, पर कई प्रकार के भक्त होते हैं ना, कितने प्रकार के भाव से भक्ति किया जाता है। कोई पुत्र भाव में भक्ति करते हैं, कोई पिता भाव में भक्ति करते हैं, कोई पति भाव में भक्ति करते हैं, तो कोई भाई के जाति के भाव में, कई प्रकार के भाव के साथ भक्ति की जाती है। तो ये जो राजा दशरथ थे ये भी तो भक्त ही थे, भगवान के लिए मनुशत्रुपा ने तप किया था कि हमको दर्शन दीजिए ओ मुक्ति के लिए, परंतु जब भगवान के श्याम सलोने बाकी झाके का दर्शन किया तो उनको लगा अब पुत्र मोह सवार हो गया, बोला कि आपके जैसा संतान हो, तो उनके भाव था कि संतान भी हो जाए और भगवान भी हो जाए तो दोनों काम हो जाएगा, रामो राम सरकारियों काम। इस लालच में उन्होंने संतान बना के, तो भगवान कहते मेरे जैसा देखो दुनिया में कोई है क्या, नहीं तो मैं ही आऊँगा। तो ही भगत हे तो भगवान प्रभु राम धरे हो तन भूप। तो पुत्र भाव में राजा दशरथ भक्ति करते थे, और इतना प्रेम था कि भगवान जब जंगल जाते हैं तो शरीर ही त्याग दिए। राम राम कही
राम राम कही राम, हर तन पर हर उस रघुवीर विरह, राव गए उस सुरधाम। हे राम 6 बार बोल करके शरीर त्याग दिए। इसी तरह कई प्रकार के भाव है, परंतु सेवक सेव्य भाव बिनो भव न तर ये उर्गारी। गुरु महाराज कोटेशन में कहते हैं कि जब तक सेवक और स्वामी का भाव नहीं होगा तब तक कल्याण संभव नहीं होगा। तो इसी भाव से जो भक्त भक्ति करते हैं वो ईश्वर के परमात्मा को सच्चे माने में सच्चे भाव से भक्ति करते हैं। तो कई पात्र रामायण में हुए भक्त ही हुए, परंतु उन पात्रों में जो माँ सबरी थी वो यूनिक थी, क्योंकि माँ सबरी को जो परम गति मिली, योगी वृंद दुर्लभ गति जोई अतौ कह आज सुलभ भई सोई। कहते हे सबरी, जो योगियों को गति जो दुर्लभ से मिलता है वहीं आज तुझे सुलभ हो गया। क्यों? क्योंकि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सब प्रकार की भक्ति तुम्हारे अंदर है। तो यही है कल्याण कारक भक्ति। दुकान बहुत है, सब जगह डेंटिंग पेंटिंग करके सोने का चांदी का लगा रहता है। हम लोग जाते हैं हुल करके बिना ज्ञान का जाएंगे, बिना जानकारी का, तो क्या समझते कि वो लोग वहाँ सब दीक्षित आदमी है कि आपको जो मांगेगा वो दे देगा क्या? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, जेब में पैसे हैं तो पूछते हैं कैसे हैं, अन्य तो जैसे हैं कि तैसे, हमको क्या मतलब। तो जगत में स्वार्थ का व्यापार, ठगे जाते हैं। अकती दुकानदार ठग लिया, अच्छा बोलिए दुकानदार ठगता है क्या? नहीं ठगता है, सब दुकानदार दुधाधारी वैष्णव है क्या? लेकिन आप सही बोले, दुकानदार नहीं ठगता है, ठकाते हम हैं। आपको जब ज्ञान नहीं है तो दुकानदार क्या करेगा? पर जिसको जो हरी है उसको दुकानदार को कहिए तो ठग लेने के लिए। अभी मैं गया था नेपाल में, ऐसे बोलना आप लोग को नज़र तो नहीं लगेगा, अभी मैं गया था नेपाल में कुछ दिन पहले, तो वहाँ कथा हुई थी भागवत की, 1.5 लाख में तो टेंट पंडाली हुआ था, बहुत भव्य आयोजन था। और उसमें जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था तो चांदी का बड़का सा थाली दिए, कुछ दिन तो मन पूरा फ्रेश था, कहे बढ़िया चांदी थाली मिला, लेकिन बाद में पता चला वो नकली है। तो उसको दिए, वो उसको बोला अब पता नहीं घूम के आएगा कि उधर ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान नहीं रहने के बाद ऐसे ही होता है ना, ठगे जाते हैं। तो इसीलिए यही बात तो भक्ति मार्ग में है ना, कहते पंडित जी ठग लिया, लो पंडित जी को कहाँ से कौन बुद्धि दे दिया कि हमको ठग लेगा। आदमी सबका भगवान का बनाया हुआ मनुष्य सबके अंदर समान डिवाइस सेट करके भेजे हैं, तो ठग कैसे लेगा? क्योंकि हम ठगा गए वो ठगा नहीं है। तो इसीलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि राम कथा अति गूढ़, तो वक्ता तो ज्ञानी होना ही चाहिए, पर श्रोता को भी भक्त को भी ज्ञानी होना चाहिए। कथा स्वाद रसलो, तो कथा रसपान करने में परम ज्ञानी होना चाहिए। तो इसलिए ये ज्ञान, ये योग्यता, ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी, ये सत्संग के माध्यम से मिलता है। आ नहीं तो बस एक आदमी को देखे पूजा करने आया, एक मुट्ठा अगरबत्ती यहाँ आई और चारों तरफ से घुमा के दिखा रहे हैं कि देखो अगरबत्ती, और जला के मतलब घेंडी जो मारते हैं ना गाड़ी में, इतना बार घुमाते हैं और लगा देते हैं, मच्छर तच्छर क्या बबू भाग जाता है फील्ड छोड़ करके, क्योंकि अगरबत्ती में होता क्या जानते हैं? अगरबत्ती में वो केमिकल डाल देता है, उसको तो बेचना है ना, सारा केमिकल रहता है, कहते सिगरेट के धुआं की तरह खतरनाक रहता है। इसलिए सत्संगी लोग इतना झाड़ फूक करते, कोई सत्संगी डर से अगरबत्ती नहीं लाते हैं। तो देखिए झाड़ फूक तो नहीं करना चाहिए, समझाना चाहिए कि देखिए अगरबत्ती जलाइए, बिना धूप दीप अगरबत्ती का क्यों कौन चीज होता है? कुछ नहीं होता। तो अगरबत्ती के जगह पर गोठा का आग ले आइए और धूप सड़र ला करके रखिए, रखना भी चाहिए, ये जरूरी होता है। अगल बगल का जो दूषित वातावरण है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। हम गुरु महाराज को बुलाते हैं तो जैसे तैसे जगह पे थोड़े बुलाएंगे। तो करने का मतलब ये बाहरी पूजा है, तो केवल उसी में लगे रहने से कुछ नहीं होता है।
तो जब ज्ञान नहीं होगा तो केवल उसी में लगे रहेंगे। एक बार एक एक एक, एक सत्संगी ने रोज अगरबत्ती गुरु महाराज को, एक दिन मैं देखा ऐसे अगरबत्ती घुमा रहा था और फोटो था वो प्लास्टिक वाला, हमको लगा पता नहीं आज क्या करेगा, वो बड़ा भक्ति में दिख रहा है, घुमाते घुमाते ऐसे जो सटाया ना जोखा करके गुरु आँखें में लगा, बरक गया फोटो, बरक गया ऐसे करके सटा देते हैं। एक एक आदमी मिश्री चढ़ाएंगे ऐसे मुँह में सटा देंगे और गल जाता है कागज, और गल ले रह जाता है मुँह में मिश्री लग ले रह गया। तो ये सब ठीक है, बाहरी बात है, परंतु उसी में लगे रहने से क्या हो जाएगा? केवल नर्सरी पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं हो सकता न। तो इसलिए संत महापुरुष कहते सार भक्ति करने के लिए सत्संग में आना पड़ेगा, नहीं तो बस जब जब बंदगी लब लब दया कहे कबीर सब ऊपरे ऊपर गया। एक बार एक पंडित जी था, जजमान आया, उसको पूरा पूजा पाठ का सामग्री जुटवाए, कहते पूजा करो, तो पवित्रीकरण मंत्र लिया, झाड़ फूक दिया, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थाम गतो भी व यस मरेत पुंडरीकाक्षम समायाभ्यंतरो सोचे जल छिड़क लीजिए, छिड़क लिया। अब लोगों को लगता है कि बाप रे पंडित जी पहुंचा, फकीर है, कितना बढ़िया मंत्र मार के जल छिड़कता है। लेकिन यहाँ जब कहते कि जप करो तो कहते न जप तप से कौन ची होता है। अब वहाँ वो मंत्र मारते तो जल छिड़क के लगता कि बहुत बड़ा जनाश कर दिया है। पर बात एक ही है, असली यहाँ है नकली वहाँ कैसे? अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा, मंत्र का अर्थ देखिए, आप चाहे अपवित्र हैं कि पवित्र हैं, जिस किसी अवस्था में हैं, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यदि आप भगवान नारायण का स्मरण करते हैं तो सवायाभ्यंतरो सुचि, आप भीतर बाहर से शुद्ध हो जाते हैं। कि खाली जल छिड़क लिए हो गया? एक जगह थोड़ा सा पूजा करना था, बोला मैं बोला जल छिड़क लीजिए, तो वो सोचा कि ज़्यादा जल देंगे तो ज़्यादा लाभ होगा, एक बाल्टी हमरे कपाट पर ढार दी ऐसा ऐसा सीधा खोपड़ी सब। तो कहने का मतलब कि वो जब स्मरण करेंगे तब आप भीतर बाहर से शुद्ध हो जाएंगे। ये सब हुआ पूजा पाठ पंडित जी कराए। इसके बाद जो षोडशोपचार होता है, जितना भी पूजा होता है ना उसका भेद बता दूं, पंडित जी का रोजी रोटी खत्म हो जाएगा। उसका भेद यही है, चाहे गणेश भगवान हो, लक्ष्मी मय हो, दुर्गा मय हो, काली मय हो, भगवती मय हो, विश्वकर्मा बाबा हो, विश्वकर्मा बाबा हो, चौबीसकर्मा बाबा हो, जो भी बाबा मैया हो, सब में षोडशोपचार होता है, उसका नाम जोड़ दिया जाता है, संकल्प होता है, स्वस्ति वाचन मंगलाचरण आरती, और कौन चीज है बताइए? किसी पंडित जी को बुला के हमको कहिए बताने की और कौन चीज होता है? लेकिन आपको समझ में नहीं आई। वो पंडित जी पूजा किए और उसमें जो षोडशोपचार करने लगे तो उसमें जो भगवान को 16 तरह के जो सामग्री चढ़ाते हैं, तो प्रक्षालनम समर्पयामि, वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि, नैवेद्यम निवेद्यामि, धूपम दीपम दर्शयामि, यही सब होता है ना। तो अब पंडित जी उल्टे सीधे कराने लगे, सामग्री था नहीं, तो कहते वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि, भगवान को वस्त्र चढ़ाइए। अब वो हाथ में दे दिया कूस, यजमान कहते ये तो कूस है, वस्त्र थोड़े है। पंडित जी कहते इसको वस्त्र मान लो। अब उल्टी उल्टा सीधा सामग्री दे, बोले इसको मान लो मान लो मान लो। यजमान को लगा लो देता कुछ है, बोलता कुछ है, कहते मान लो, चलो मान लेते हैं। अगल बगल वाले बोला दूसरा चारा नहीं है, गुजारा नहीं है, माननी पड़ेगा, पंडित जी फुजिया जाएगा तो कुछ न होगा, क्योंकि पूरा रिजर्वेशन उसी के हाथ में है, जन्म से लेकर मरण तक पूरा ठेकेदारी। तो बोलो ठीक है, मान लिए मान लिए मान लो। पूजा जब होने लगा ना, तो पंडित जी कहते हैं अपने शक्ति सामर्थ्य योग्यता क्षमता के अनुसार भगवान के ऊपर दक्षिणा समर्पयामी, दक्षिणा चढ़ाइए। तो यजमान का तो माथा पहले से खराब था, जेबी में सिगरेट का खाली डिब्बा था, उसमें जो चमकी वाला कागज था ना उसको निकाल के बोला समर्पयामी। पंडित जी कहते अरे तो कागज है, ये नोट थोड़े है 2000 का। यजमान बोले इसको 2000 का नोट मान लीजिए। ऐसे मानते जाइए, फायदा क्या, फर्क क्या पड़ता है?
ये झूठे झूठे कुछ नहीं होने का है, इसीलिए साँचे का कोई ग्राहक ना है। सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ेगी। तो यही कैसे भक्ति होती है, आइए हम लोग माँ सबरी आज वर्षों से रास्ता निहार रही है और बस अपने गुरु के याद में, अपने गुरु के वचन पर विश्वास है माँ सबरी को कि वो प्रभु जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि वो जरूर हमारी सुधी लेंगे। तो बड़ा प्रेम है, सच्चे ज्ञानी भक्त जो होते हैं ना, उसके अंदर जो प्रेम होता है ना, वो अडिग होता है। हम लोगों का प्रेम ऐसे है बिजली की तरह चमका दमका गया। इसलिए जो सच्चे होते हैं ना, बिनु विश्वास कहते हैं ना, जाने बिनु न होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, अब बिनु प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई। तो जो बिना जाने प्रतीति मतलब विश्वास नहीं होगा, और बिना विश्वास का प्रेम नहीं होगा, और बिना प्रेम के भक्ति नहीं होगी। तो हम लोग जाने न बुझे मौसी मौसी करे, जाने कुछ तो है ये नहीं, तो विश्वास कहाँ से होगा, और विश्वास नहीं होगा तो प्रेम कहाँ से, प्रेम नहीं तो भक्ति कहाँ। परंतु संत महापुरुष केवल वाक्य ज्ञान से नहीं जान लेते हैं, अनुभव ज्ञान से जान लिए हुए होते हैं, इसीलिए उसका जो विश्वास और प्रेम होता है वो अचल और स्थिर होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होता है। तो ऐसे माँ सबरी का प्रेम भगवान के प्रति। कब सुधि लोगे मेरे राम हो, कब सुधि लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम हो, कब सुधि लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम, कब सुधि लोगे मेरे राम। नित उठी भोर को डगर बहाड़ू मैं तो तुमको पुकारूं, नित उठी भोर को डगर बहाड़ू मैं तो राह निहारूं, बिरह दिन मैं तो रो रो गुजारूं, मैं तो तुमको पुकारूं, ले लो खबर कब राम हो, ले गो खबर कब राम, मैं तो राह बिछाई तेरी राह में, कब सुधि लोगे मेरे राम। थक गए नैन भी मन को निराशा अब होने लगी है हो, थक गए नैन भी मन को निराशा अब होने लगी है, देर करो ना प्रभु धीरज भी अब खोने लगी है, देर करो ना प्रभु धीरज भी अब खोने लगी है, अब एक दिन भी लग साल हो,
अब एक दिन भी लग साल, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सूद लोगे मेरे राम हो, कब सूद लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सूद लोगे मेरे राम, मैं तो नैन बिछाई तेरी राह में, कब सूद लोगे मेरे राम। सबरी माँ वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, पर धैर्य जो है ना, संत महापुरुषों का धैर्य बहुत, उसकी कोई परीक्षा नहीं ले सकते, वो बड़े गंभीर होते हैं। तो माँ सबरी प्रतीक्षा में थी और वो शुभ दिन आए और भगवान का आगमन हुआ। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिए भाए, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लिपटाई। सबरी माँ ने भगवान को देखा, चरणों पर गिर गई और इसके बाद कंद मूल फल ला करके भगवान को दिए और भगवान भाव भक्ति के साथ ग्रहण किए और इसके बाद अपनी दीनता को दर्शाने लगी सबरी माँ। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। तो बहुत तरह से अपने आप को अधम अधम, उससे भी अधम, मतलब कि अपने आप को सबसे सरल बता रही है माँ सबरी। इसी का नाम है विद्या ददाति विनयम। जो बड़े होते हैं वो बड़े नम्र होते हैं। स्वामी संतसेवी जी महाराज एक प्रसंग कहते थे, एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था, उसके दरबार में एक छोटा राज्य का राजा आया, उन्होंने प्रणाम किया तो सम्राट ने अपने सिंहासन से उतरकर उस राजा का पैर छू करके प्रणाम किया। राजा लज्जित हो गए, कहते महाराज आप इतने बड़े सम्राट हो, सैकड़ों राजा आपके चारों तरफ घेरे रहते, फिर आप मेरा पैर छू करके क्यों मुझे इस तरह से मेरा ही अपमान हो कर रहे हो। सम्राट कहते देखो राजन, मैं सब कुछ में बड़ा हूँ ना, तो इसीलिए मैं नम्रता में भी बड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए तुमने हाथ जोड़ा तो मैंने तुम्हारा चरण छू करके प्रणाम किया श्री सद्गुरु महाराज की। अति दीन हो गए जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ले। तो अत्यंत दीन होकर के जो सत्संग सुमति को लेते हैं, दीन के बिना तो सुमति नहीं आती, तो वही गुरु के शरण में आ जाते हैं। देखिए वक्ता को लोग ऊपर बैठाते हैं, लेकिन भागवत महापुराण में प्रसंग आता है कि जब भगवान शिव कथा सुनने के लिए आए थे ना, तो कुंभज ऋषि ने कथा व्यास मंच से उतर के भगवान शिव को प्रणाम किए। ये वक्ता का लक्षण होता है कि श्रोता को शिव रूप समझना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। इन्हें कि कोई हो हल्ला हो गया तो इतना डपट दिए कि फिर वो सत्संग में आने का क्रिया खा ले कि नहीं आएंगे। तो शिव रूप होना चाहिए, क्योंकि बिना पुण्य का कोई सत्संग स्थल में आ ही नहीं सकता है। तो वो श्रोता को शिव रूप और वक्ता को भी चाहिए, ये मतलब श्रोता को भी चाहिए कि भले वो भगवान शिव के तरह भी अपने आप को ज्ञानी समझे, फिर भी सरलता सज्जनता पूर्वक थोड़ा सा नीचे के आसन में बैठ करके ज्ञान को ग्रहण करें। तो इस तरह से कहने का भाव है कि यहाँ माँ सबरी को भगवान, माँ सबरी अपने आप को बहुत साधारण दर्शा रही है, बहुत अपने आप को कह रही है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये भक्तों का लक्षण है। भगवान कृष्ण जब राजसी यज्ञ हो रहा था ना हस्तिनापुर में, तो महाराज युधिष्ठिर का बहुत बड़ा यज्ञ जी विजय होकर के आए थे पूरे दुनिया को, तो वहीं पर यज्ञ का आयोजन था। तो मीटिंग सीटिंग तो होता है, जैसे यहाँ ध्यानाभ्यास हुआ तो पहले ज़रूर मीटिंग वीटिंग होता होगा कि भाई क्या कर कैसे करना है, भले अभी कोई कैसे करना। तो उसमें भगवान कृष्ण अध्यक्ष थे, संचालक थे मीटिंग का, तो उन्होंने सबको तो काम दे दिए, परंतु अपने लिए जो काम लिए वो बड़े अजीब सा काम। उन्होंने कहा जो भी अतिथि अभ्यागत आएंगे मैं उसका चरण पखारूंगा और वो जब भोजन करेंगे तो मैं उसका जूठन को उठाऊंगा। तब कहिए भगवान जो इतने सरल हो जाते हैं, तो आखिर भगवान ही तो है ना।
भगवान ही वो हो जाते हैं जो बहुत सरल हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ माँ सबरी उसी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए पर भगवान कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। टाइम हम दिखाइए नहीं तो पता नहीं क्या होगा। तो टाइम तो होने ही वाला 2 मिनट। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, हे सबरी, जाति पाति का कोई स्थान भक्ति भजन में नहीं है। आज हम लोग जाति में बटे हैं, इसीलिए घटे जा रहे हैं और कमज़ोर पड़े जा रहे हैं और नाना प्रकार की यातना आक्रांताओं के द्वारा जो हजारों साल से इस देश पर, देश के नागरिक पर होता है, इसी कारण से होता है। क्योंकि हम पुजारी तो पक्के बनते हैं पर भगवान के बात को एक भी नहीं मानते हैं। तो घर में कहते कोई यादव है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई भी जाति है, अपने घर तक सीमित रखिए। जब बाहर आइए तो एक ही भाव होना चाहिए कि ईश्वर ही हमारे माता पिता हैं और हम सब सनातन धर्मी, सब भाई भाई। फिर यूनियन इज द स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। फिर हम सुख शांति से भक्ति भजन करके जीवन को जी सकते हैं। तो यही भगवान, कभी जाति का स्थान संतों ने, भगवान ने नहीं दिया, पर हम लोग दिमाग में घुसा लेते हैं। एगो पंडित जी आता था कथा सुनने, राम कथा, तो आ तो जाता था, बड़ी श्रद्धा से सुनता था, पर भगवान को प्रणाम किए बिना चला जाता था। तो एक कथाकार ने पूछा, क्या प्रणाम क्यों नहीं करते जब इतनी श्रद्धा है? तो पंडित जी कहते, तखन हमें ब्राह्मण छला आ भगवान छतरी, तो हम क्यों प्रणाम करें? हम ब्राह्मण अछि आ भगवान छतरी अछि, लो, इसीलिए प्रणाम नहीं करते। इसीलिए संत महापुरुष कहते, जाति वर्ण कुल खोए भक्ति करे कोई सूरमा। तो इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि हे सबरी, कोई जाति पाति की बात नहीं, हमसे जो रिश्तेदारी होती है वो प्रेम की होती है। और यहीं पर नवदा भक्ति जो सुनाया गया, उसको गुरु महाराज ने मोटा मोटी 2 भागों में 3 भागों में विभक्त कर दिए। स्थूल भक्ति, ये सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, अथवा यो कह लीजिए कि मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नादानुसंधान, ये 4 क्रिया जो करते हैं वो 9 प्रकार की भक्ति को क्रम से करते जा रहे हैं। यही भगवान का उपदेश आदेश है। तो इसलिए हम लोगों को इसी तरह से सत्संग में प्रेम करना चाहिए, क्योंकि यही प्रथम भक्ति है।